अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बेटी व्यापारी न्यूज़ चैनल में आप सभी का खैर मकदम में डालते हैं नज़र एक अहम खबर की जानिब। लंगर हाउस पीएस हदूद में पेश आई कत्ल की वारदात। रात के अंधेरे में चाकों से घूप कर बेदर्दाना तरीके से कत्ल किया गया है। मकतूल का नाम शेख फरीद 38 साल उम्र गोलकुंडा के रहने वाले थे। लंगर हाउस चौरस्ते पर चाकों से घूप कर उन्हें फौत कर दिया गया। लंगर हाउस पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। मीडिया से खिताब करते हुए बताई तमाम तफसीलात। तफसीली रिपोर्ट सीनियर रिपोर्टर सैयद इस्माइल की व्यापारी न्यूज से। इसी तरह की अहम खबरों के लिए व्यापारी न्यूज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जजाकल्ला। आज 12:06 हमारे इन्फॉर्मेशन आया कि एक आदमी ऑटो में ओमेगा होटल के गली में ऑटो में गिरा हुआ है। तो हमारे पेट्रोल बीसी कार वाले जाके चेक करे तो बॉडी जब तक वो आदमी मर गया है उसका डिटेल लिए तो क्या है, उन्होंने शेख फरीद बोल के गोलकुंडा वाला है, उम्र 36 ईयर्स है। वो ऑक्यूपेशन रोटी मेकर है और उसमें कैटरिंग में काम करता हूँ। उसके बाद उनकी फैमिली को बुला दिए, बुलाने के बाद उनको बता दिया कि ये स्टूडेंट तो आदमी आपका है, वो तो अभी पहचाने। इसके बाद वो ब्रेड बॉडी को हम शिफ्ट कर दिए उस्मानिया हॉस्पिटल को और तहकीकात कर रहे हैं कि वो क्या वजह है उनको मारने का, कौन मारे बोल के हम तहकीकात कर रहे हैं। जल्दी 1-2 दिन में भी आपको हम बोलेंगे कि कौन क्या है, क्या अक्यूज कौन है और उसका मोटिव क्या है बोल के आपको फिर हम बुला के बोलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका सास वैसा बोल रही बच्चों को टॉर्चर कर रही, बोल तो ठीक है। रोज घर में टॉर्चर करता उसके जोर अंदर नहीं आ रहे, इनको अब बोल रहे हो।